सो एज फार एज माई डाइट इज कंसर्न, अभी मैं जिम से आया हूँ। लेवल से मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होता है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। आज का टॉपिक जैसे आपको देख के समझ आ गया होगा थंबनेल में कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अपनी प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस। आपको इजी लगेगा एग्जाम देख के कि ये तो बहुत इजी है, बट अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। आज का टॉपिक जैसे आपको देख के समझ आ गया होगा थंबनेल में कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो लोग मुझसे ज़्यादा पूछते हैं। अभी मैं जिम से आया हूँ और जिम से आते ही मील चाहिए होता है, तो मैं जल्दी से अपना बस स्नैक मील बना रहा था, शाम का शेक। तो मैंने वो बना लिया, अब बस पी के फिर करते हैं बात आज के मेन टॉपिक। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो स्पेशली है उन स्टूडेंट्स के लिए या कैंडिडेट्स के लिए जो अपीयर करना चाहते हैं IMU CET एग्ज़ाम के लिए, जिन्होंने इस साल अपनी 12th पास की है एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। अभी उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, रिजल्ट आएंगे। और साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने की है, ये बेसिकली मैंने वीडियो बनाई है साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए। एग्ज़ाम होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, जो एग्ज़ाम होता है वो आपको कैसे देना है और कैसे उसका क्राइटेरिया है और कौन दे सकता है। सो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने लास्ट ईयर अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, ट्वेल्थ के पास कर लिया, ड्रॉप किया हुआ है, या फिर जिन्होंने इस ईयर अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं, जैसा आप लोग मुझे जानते हो, आई एम थर्ड इंजीनियर रोहित चोपड़ा, करंटली सेलिंग ऑन गैस टैंकर्स। प्लीज़ आपको कहता हूं कि अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो अपने दिमाग में, अपने माइंड में फोकस लेके चलो कि आप ऑफिसर लेवल पर ज्वाइन करो, ना कि जीपी रेटिंग, या ये सोचो कि मैं 10th के बाद ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उससे अच्छा है कि आप 12th में PCM लेके आएँ, 11th में PCM लेके आप अपनी कंटिन्यू करो स्टडीज़। DNS डिप्लोमा नॉटिकल साइंस फर्स्ट कोर्स है, B.Sc नॉटिकल साइंस है, वो भी डेक डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, और B.Tech मरीन इंजीनियरिंग। ये 3 कोर्सेज होते हैं जिनके लिए IMU CET एग्ज़ाम होता है। अब IMU है क्या? पहले कंट्रोल होता था मर्चेंट नेवी की, सारे एग्ज़ाम्स या कॉलेजेस जो भी होते थे वो DG शिपिंग के अंदर होते थे। उसके बाद 2008 में IMU यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई। IMU यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कॉलेजेस थे जिन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम ले रहे थे, अब इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आप एलिजिबल हो किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करने के लिए, अब एज़ पर द रैंकिंग। भी पर्सनल कोई टेस्ट है तो उसको क्लियर करने के बाद आपकी क्या रैंक IMU CET में है और क्या उनके कॉलेज में है। जैसे तुलानी में अभी भी एग्ज़ाम होते हैं, या फिर IMI ग्रेटर नोएडा जहाँ से मैंने की है स्टडीज़ अपनी, तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम्स अभी भी होते हैं। तो उनके एग्ज़ाम में आपकी क्या रैंक आती है, उसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्ट करते हैं वो कैंडिडेट्स को। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये 12th के बाद होता है। अभी भी फॉर्म सबमिशन चल रहा है इसका, 14 अप्रैल से 18 मई तक की इसकी डेट है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो 18 मई के बाद इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवा रही है IMU, वो करवा रही है 10 जून को। तो ये 3 कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम होता है IMU का CET एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब अगर आपको इन तीनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स करना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मैंडेटरी एग्ज़ाम। तो बेसिकली ये मर्चेंट नेवी में जाने का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको 12th में पहले तो आपको 12th पास करनी है PCM की, और उसके बाद आपको ये टेस्ट देना है। बेसिक क्राइटेरिया होता है वो होता है कि एज की अगर मैं बारे में बात करूँ तो एज होनी चाहिए जब आप अपीयर करो एग्ज़ाम के लिए, तो आपकी 17 से लेके 25 इन बिटवीन आपकी एज होती है, तब आप ये कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और SC/ST के लिए 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन है IMU की तरफ से। आपके PCM में 60% होनी चाहिए, बिकॉज इट्स बेटर फॉर यू कि अगर आपने मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन की तो आप कुछ और ज्वाइन कर पाओगे। इसमें 50% से अबव एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये चारों सब्जेक्ट्स में आपके 60% से ऊपर होने चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% अबव होने चाहिए। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमारे पास अगर PCB है तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब बायो है आपके पास, मैथ्स नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केस होता है कि आपके पास बायोलॉजी, आपके पास मैथ्स नहीं है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो डेक डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजन डिपार्टमेंट हो। आपको रिपीट करनी चाहिए क्लास अपनी, और PCM के साथ अपनी 12th करो, चाहे वो NIOS से करो, चाहे आप वो स्टेट बोर्ड से करो, तो ये मैंडेटरी है। तो रीअपियर करो आप अपने 12th को। पीसीएम थी और आपके 60% से अबव मार्क्स नहीं आए तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दो, फिर आप फिर से अपने तीनों सब्जेक्ट्स को रीअपियर कर सकते हो। अगर आपको एक में भी डाउट है कि नहीं मुझे दो में डाउट है, मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हूं, आई वुड से बेटर गो फॉर 3 सब्जेक्ट्स। तो आपके लिए इजी रहेगा कि अगर आपने तीनों में स्कोर भी कर लिया तो आपका एग्रीगेट 60% से अबव होगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि क्राइटेरिया आपके सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट तक नहीं है, परसेंट नहीं, बल्कि 60% का मैं एम बना के चल रहा हूँ कि हाँ मुझे 60% चाहिए एग्ज़ाम के लिए, नहीं 75% 80% का स्कोर अपने लेवल में बिठा के चलो कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है, तभी मेरे लिए अच्छा है। IMU CET का एग्ज़ाम होता है वो हर ईयर में अब एक बार ही होता है, पहले 2 बार ही होता था, उसके बाद बंद हो गया था कोविड के सिचुएशन की वजह से, फिर ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ, फिर रोक दिया गया, चेंजेस किए गए कि एक बार ही वो एग्ज़ाम हो रहा है जून में, दिसंबर में नहीं हो रहा। तो जो जून में अपेयर कर रहे हैं वो दिसंबर के या फिर जनवरी के या फेब के बैच में, जो DNS का बैच होता है, क्योंकि DNS ईयर में हर साल DNS 2 बार ही होता है, हर कॉलेज में 2 DNS के बैच होते हैं। तो अगर आप जून में अपना एग्ज़ाम देते हो तो आप फरवरी के बैच के लिए भी अपीयर कर सकते हो, एक ही बार अटैम्प्ट दे सकते हो IMU CET का। आपका ईयर वेस्ट ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपका ईयर सेफ हो, और हर किसी को चाहिए होता है, जैसे मेरा भी था कि 2012 में जब मैंने अपनी 12th पास की थी, सो आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे अपने ईयर वेस्ट नहीं करना, मुझे बाय हुक मुझे मर्चेंट नेवी में एंट्री लेनी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको imu.edu.in पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट होती है, फीस होती है, वो होती है 1000 रुपीज़ IMU जनरल OBC के लिए, और जो SC ST के लिए होती है वो होती है 700 रुपीज़। फोकस बना के चलना है कि आप प्रिपेयर हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, तो इसलिए 11th 12th की जब आप स्टडीज़ कर रहे हो, जब आपने फोकस किया हुआ है कि हाँ मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, रातों रात वाला ये ख्याल नहीं होना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नहीं मुझे किसी ने 10 दिन पहले बोला तो मैंने सोचा कि हाँ मैं भी IMU CET दे देता हूँ। पहले उस फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए इन एंड आउट कि क्या फील्ड है, और जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी वो देख सकते हैं बाकी की सारी वीडियोस की कैसी लाइफ होती है मर्चेंट नेवी की, क्या हम शिप पे करते हैं, और एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं। जैसे अभी भी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं अभी भी घर पे हूँ तो मैं अपने एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहा हूँ, तो ईजी कुछ नहीं होता इस फील्ड में। तो पहले से अपना माइंडसेट लेके चलो, 11th 12th की प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि जो ये IMU CET का एग्ज़ाम होता है, अगर मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें भी 10th 11th 12th की बेसिक्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपके आते हैं बेसिक क्वेश्चन जो आपके NCERT के होते हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हो। और इंग्लिश से रिलेटेड अगर मैं बात बताऊं तो एनोनिम्स, सिनोनिम्स और आपके फ्रेजेस, ऐसे राइटिंग और करेक्शंस, ऐसे करेक्शन आपकी आती हैं इस सब्जेक्ट्स में। जनरल एप्टीट्यूड में आपके बेसिक क्वेश्चन आने लग जाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आता है। ये 5 चीज़ें आती हैं। इसका अगर मैं डिवीज़न करूँ तो 40 क्वेश्चन फिज़िक्स के, 40 केमिस्ट्री के, 50 मैथ्स के, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी डिवाइड करके, मतलब 80। वो हर साल पैटर्न चेंज होता है, पैटर्न कभी सेम नहीं रहा इस पेपर का, तो पैटर्न वो चेंज करते रहते हैं। अगर आप NDA की बुक करो या फिर अगर आप किसी भी और कॉम्पिटेटिव अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे उस बुक्स में NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी IMU CET एग्ज़ाम के ऊपर, जिसमें मैंने बुक रेफ़र करवाई थी कि ये वाली बुक आप देख सकते हो, क्योंकि 10 ईयर की बुक से आपको पता लग जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको कि पेपर का पैटर्न कैसा है। वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि जब आप पेपर का पैटर्न देखते हो तो आपको समझ आना स्टार्ट होता है कि क्या हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ईजी क्वेश्चन हैं, क्या मैं जल्दी कर सकता हूँ, क्या मैं कौन सा पार्ट A B C D E में जैसे डिवाइड होता है पेपर, तो मैं कौन सा पार्ट पहले करूं और कौन सा बाद में करूं। पता मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप बाकी NDA उनके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या आपको करना चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं अलग अलग वीडियोज़ में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँगा, क्योंकि क्लास 12th के पास आउट होने का टाइम आ रहा है और बहुत बच्चे फिकल माइंडेड रहते हैं कि अब मेरे को क्या करना चाहिए या कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा था कि ये एक बेस्ट टॉपिक है और मुझे बताना चाहिए। स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट करके पूछते हैं कि सर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है या फिर कहाँ से मुझे फॉर्म चेकआउट करना है IMU के लिए। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी आ रही है नीचे। इवन ट्विटर पे भी मैं एक्टिव हूँ, अब ज़्यादा होना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, और ये सारे के सारे हैंडल्स नीचे आ रहे हैं। 18th of May तक की लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दोगे उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मैं PCB का हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो सारी डिफरेंट और वीडियोस भी हैं जो मैंने इससे रिलेटेड बनाई हुई है कि आपको डीएनएस करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो मोशन इवेंट से रिलेटेड। तो सी यू टिल देन, साइनिंग ऑफ दिल्लीवाला सेलर। ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या डाउट है, क्या आपको समझ नहीं आया। आई विल क्लियर इट आउट। सो सी यू टिल देन, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं वीडियो में।